नमस्कार किसान भाइयों, किसान साथियों, ये जो आप गन्ने का खेत देख पा रहे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त गन्ने का खेत खड़ा है। फिलहाल की तारीख में बहुत ज़बरदस्त बढ़वार इस खेत में हो रही है। कौन सी वैरायटी है और क्या इसमें गुण और दोष हैं, अब इस वीडियो में किसान भाइयों पूरी जानकारी लेते हैं। और खेत ये किसका है, अब मिलते हैं एक बार किसान से और लेते हैं इस खेत के बारे में पूरी जानकारी। तो किसान भाइयों, अब हम खेत में पहुँच चुके हैं अंदर। अब एक बार लेते हैं पहले किसान का परिचय। भाई जी कैसे हो? बढ़िया धीरज भाई, कैसे हो? अजी बहुत बढ़िया। तो एक बार पहले छोटा सा परिचय दे दो जी। भाई रोहित चौधरी, गांव राठौर, जिला मुजफ्फरनगर का किसान हूँ। बहुत बढ़िया जी। तो रोहित भाई जी, सबसे पहला आप ये बताओ, ये वैरायटी है कौन सी, इसका नाम बता दो एक बार। ये बहुत काफी चर्चित वैरायटी है, पिछले वर्ष भी चर्चा में थी और पहले भी चर्चा में रही है। ये वैरायटी है कोयम्बटूर गन्ना संस्थान की, बड़ी नामचीन, CO 11015। अच्छा जी, वैरायटी तो होगी जी 11015 जी, ठीक है। अब इसमें एक बार ये बता दो, इसमें जो आपने गन्ने की बुआई कर रखी है, दूरी कितनी है इसमें? ये डिस्टेंस है भाई जी 5 फीट पूरा। अच्छा, 5 फीट की दूरी होगी, ठीक है जी। अब इस गन्ने के खेत की आपने बुआई कब करी थी जी? इसकी 7 अक्टूबर की बुआई है भाई जी। 7 अक्टूबर की? अच्छा जी, 7 अक्टूबर की होगी जिसकी बुआई। और मेथड क्या था, मतलब सिंगल बड़ थी या पेंडा गेरा था, क्या किस तरह करी? सिंगल बड़ प्लांटेशन है, एक का टुकड़ा। कितनी दूरी पे लगाए थे भाई जी? ऐसा नहीं कि गलूर बो दिया है जी। कितनी दूरी पे लगाए थे ये? करीब करीब एक का डेढ़ डेढ़ फीट, देखो कोई नाप के लिए तो हम कुछ लेंगे, पर एक डेढ़ डेढ़ फुट के आसपास हमने लगाया। ठीक है जी, 1.5 फीट के आसपास आपने लगा दिया। देखो जी, हर किसान भाई जो है मेहनत करता है अपने खेत में, उर्वरक, फर्टिलाइजर और कीटनाशक वगैरह का प्रबंध हर किसान कर रहा है अपने अपने स्तर से, ठीक है जी। तो अगर उन चीजों का भी हम जिक्र करेंगे तो वीडियो काफी लंबी होती चली जाएगी, क्योंकि हर किसान आज फिलहाल की डेट में जागरूक है। अब हम इस गन्ना वैरायटी के मेन मुद्दे किसान भाइयों के सामने प्रस्तुत करेंगे। अब जैसे भाई जी, आपने इसमें सिंगल बड़ की बुआई कर दी, बिल्कुल, तो अब उस सिंगल बड़ से एक बड़ से कितने गन्ने बन के इसमें आई, ये बता दो जी। देख लो भाई जी आपके सामने, आगे चलते हैं थोड़ा। चलो जी आगे चलो, आगे देख लो, लगभग कितने गन्ने बनका एक बड़ से? यहाँ फिलहाल 6-7 गन्ने दिखाई दे रहे हैं जी। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 गन्ने भाई। 8 गन्ने, 8 गन्ने, यहाँ पे 8 हैं, यहाँ पे 5-6 हैं। हाँ, तो लगभग 5 का एवरेज मान के चलो जी। हैं बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और इससे ज्यादा अगर गन्ने होते भी हैं वे बारीक पड़ जाते हैं। हाँ, शायद कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो, ठीक है जी, ठीक है जी। तो ये तो हो गया जिसका मामला। अब जैसे आपने बुआई कर दी, उसके बाद इसमें रोग की क्या स्थिति रही भाई जी? बुआई करके तो गैल नहीं रोगा था, आसोस के गन्ने में तो पकड़ माता नहीं तब उस टाइम पे जी। बाकी जो व्यवस्था बन के आती है फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, काफी लंबा टाइम है, उस टाइम पे मिलती है। खासकर जो बीमारी की आप बात कर रहे हैं वो आपकी, ये मान लो असोज गन्ने के लिए खासकर बोल रहा हूँ, जून से स्टार्ट हो मामला। तो जून से स्टार्ट हो जा जी। तो आपने प्रबंधन के लिए क्या लगाया, प्रबंधन सेफ्टी के लिए क्या लगाया आपने जी? क्या कीटनाशक का इस्तेमाल करा या नहीं करा? कीटनाशक का इस्तेमाल जरूर करा है, बैंकार नहीं करने का। कीटनाशक के तौर पर मैंने CTPR साल्ट में लगाया था, हेलीप्रो GSP क्रॉप साइंस की, ठीक है जी। उसकी ट्रेंचिंग मैंने नीचे की तरफ कर दी थी, ये करी थी, लोगों खास डेट तो मेरी याद है नहीं, शायद मार्च में करी होगी, करी, ठीक है जी। यानी कि आपने कीटनाशक का भी इस्तेमाल अच्छे से करा, ठीक है जी। और फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कितना करा भाई जी? फर्टिलाइजर का बताऊं, फर्टिलाइजर का इस्तेमाल 3 टाइम मैंने करा है। अब आप फर्टिलाइजर पूछी बैठे तो बता देता हूं। बता दो जिसमें क्या लगाया। बुआई के टाइम पे तो जो चीजें सभी लगाते हैं नॉर्मली वही है, आपकी डाई भी है, यूरिया भी है, ठीक है जी। अच्छा जी, और क्या बोलते हैं, कीटनाशक के तौर पे 2 साल्ट थे और सल्फर भी था शायद बुआई में, आपका थाइमेथोक्सम हो गया और दूसरा साल्ट आपका हो गया इंसेक्टिसाइड तौर पे थाइमेथोक्सम रीजेंट। चलो जी ठीक है जी, अब 0.6% वाला आपने व्यवस्था करी, उचित खाद पानी का अच्छे से प्रबंध किया, और उसके बाद जो अब रिजल्ट मिला फिलहाल की डेट में, जो फल आपको प्राप्त हो रहा है इस गन्ने के रूप में, फल प्राप्त हो रहा है, यह गन्ने की स्थिति फिलहाल बन के आई है, ठीक है जी। अब आप ये बताओ भाई जी, इसमें फिलहाल जूने कितने लग लिए? जूने 4 लग लिए इसमें, पर बाकी मैं कहने लगूं केवल इसी खाद पे जिसमें कुछ चीजें मिसिंग है, मैं थोड़ा क्लियर कर दूं, केवल एक बार खाद से काम नहीं चला, 3 बार लगाना पड़ा। हाँ, मैं बेकार कहने लगूं कि नहीं लगा। और सबसे बड़ी बात एक चीज आपसे भाई जी, अगर एक अच्छी फसल, एक अच्छी फसल देने किसान को, तो वैरायटी भाई जी कोई सी भी हो, अच्छी खासी उत्पादन लागत उसमें देनी पड़ेगी। बिल्कुल सच बात है, इसमें कोई इंकार नहीं कर सकता, बिल्कुल बोलता हूँ, मगर साथ ही साथ ये भी कह रहा हूँ, उस खाद को इस तरह से लगाओ कि आपकी फसल को 100% चिलेटेड हो, आपकी फसल को कुल मिलाकर लगना चाहिए, और लगा कैसे वो आप पे डिपेंड है, उस बारे में मैं कुछ नहीं कहता, ठीक है। तो ठीक है जी भाई, बता रहा हूँ, ठीक है भाई जी। अब
जूने इसमें कई सारे लग चुके हैं। अब ये बढ़वार भी अच्छी खासी पकड़ रहा, पत्ता बिल्कुल नहीं रोगा खड़ा, हरा भरा पत्ता दिखाई दे रहा। तो अब आगे की व्यवस्था बताओ, क्या आप इसे रोक पाओगे गिरने से? क्योंकि मैंने सुना इसमें गिरने की भी समस्या है जी। देखो अगर लागत लगाओगे, सच्ची बात है, लागत लगाओगे, अच्छी लागत लगाओगे, पहली बात मैं कहना चाहूंगा 0238 से कम लागत का बीज है, जो किसान भाई ज्यादा लागत लगा रहे हैं, प्रोडक्शन तो बढ़ जाएगा उनका, पर हाँ रोकने में काफी मुश्किलों का सामना करना उससे पड़ेगा, क्योंकि ये गन्ना बंधाई के बाद में ककड़ी की तरह से बढ़ता है भाई जी, ये भी सच्चाई है। जो बार बार या दसवें दिन जूना लगा सकते हैं वो सबसे होनी चाहिए, उत्पादन के तो कीर्तिमान इसमें है, पर यह हकीकत बताऊँ अगर इसके साथ में जिद्दी किसान नहीं होगा तो जिद्दी किसान इसे रोक सके, आम किसान नहीं रोक सकता, मुझे सच में बताया इसके, तो मुझे सिड्डी ठानी पड़ेगी। तो क्या एक पुरानी वैरायटी है भाई जी, हाँ जी अर्ली की 98014, बिल्कुल उसमें भी बंधाई का काफी ध्यान रखना पड़ता है, तो क्या इसी प्रकार इसमें भी ध्यान रखना पड़ेगा? देखो वो गन्ना है बरी जी, उसे तो आप सच्ची बताओ, कोई शेर चित्ता कुछ भी हो, कोई कहता हो मैं थाम दूंगा, किसी भी तरह से नहीं थाम सकता, क्योंकि इस पर सारा वजन ऊपर की तरफ है, इसमें ऐसा नहीं है, इसमें नीचे की तरफ भी साइज बने, ऊपर की तरफ साइज बने, वो हद से ज्यादा नरम है। अच्छा जी, इसमें इतना वो नहीं है, आप सोच रहे हो वो हार्डने से सारी चीजें, मगर गिरने की समस्या लॉजिंग की वजह से उसका मूल कैरेक्टर वही है। चलो तो जाके चल के खेत दिखा दो एक बार कैसा खड़ा। व्यवस्था आपने काफी अच्छी कर रखी, लागत भी अच्छी खासी दे रखी जी आपने, कोई कमी ना कर रखी जी लागत देने में भी, फर्टिलाइजर का इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल कर रखा, क्योंकि ये करना जरूरी पड़ता है किसान भाइयों। जिस टाइम जरूरी था वो उस टाइम पे दिया गया, ऐसा नहीं कि जो फालतू में एक्स्ट्रा में कुछ भी रोक दिया, फालतू कुछ नहीं लगा रखा, फालतू कुछ नहीं लगा रखा जिसकी रिक्वायरमेंट। चलो जी अब थोड़ा सा मैं बात करूँ और बताऊँ आपसे, डीएपी 52 से 54 दिन में एंड हो लिया उसका, जो भी आपने लगाई वाई पे जो हमने अक्टूबर में उसका एंड हो लिया था, फरवरी में ठाक है, फिर से हमें एसएसपी लगानी पड़ी फरवरी या मार्च में, एक एक बार फावले से मट्टी दी थी, उसके बाद में फिर जिस टाइम पे जून में से मट्टी चढ़ाई वो डीएपी फिर से गई, पूरी बरसात जो खाद काम करे तो एसएसपी फिर से मैंने लगाई थी, दो टाइम इसमें एसएसपी लगी है। बहुत अच्छे एमओपी सॉरी एसओपी सल्फेट और पोटास भी 2 किलो का बीघा मैंने इसमें लगाया है। ठीक है जी, एक बात भाई जी दिमाग में और आ रही है फिलहाल, देखो ये आपका प्लॉट भाई जी कितना होगा लगभग? करीब 1.5 बीघे आसपास होगा, 1.5 बीघे आसपास होगा। अच्छा जी, तो 1.5 बीघे के आसपास आपका प्लॉट है, आपने काफी हंगे लगा रखे जी खेत में, कुल मिला के बात जो है, क्या इस प्रकार का गन्ना अधिक क्षेत्र में किसान तैयार कर सकता है? कर सकता है, कर सकता है, अरे ऐसा नहीं है कि मेरा ही बढ़िया हो गया। हाँ जी, सह फसल में किसी ने बोया तो सच्चाई है कि सह फसल में नुकसान है, 0238 0118 PB95 के बाद अगर सह फसल में कोई चीज बोता है ना, असोजिया गन्ना यानी सितंबर अक्टूबर की प्लांटेशन आपकी जो भी होगी उसमें कहीं ना कहीं किसान नुकसान में जा, बहुत ज्यादा धक्की गन्ना दब जा, वो जम कराना यानी कि स्टार्ट देना बहुत मुश्किल हो जाए काफी। मैं अपने साथ की देख रहा हूँ, एक जूना भी नहीं आया उनमें, तो जी जैसे डेढ़ लिया प्लस पॉइंट रहा, मैंने साफ सफाई इसकी अच्छी रखी, टीलर्स वगैरह पे थोड़ा सा ध्यान दिया, सफाई अच्छी रखी, मिट्टी लास्ट तक इसमें नहीं जाना दी, इसमें फरवरी तक भी अंदर मिट्टी नहीं भरने दी मैंने। अच्छा जी, तो मेरे कहने का मतलब ये है भाई जी, अगर कोई भी चीज हो अगर वो कम क्वांटिटी में है तो उसकी देखभाल अच्छे से हो जाती है, ये तो नेचुरल है, इसमें तो ठीक है जी, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। और यही अगर 2 एकड़ 4 एकड़ या अधिक में होगा तो उस क्षेत्रफल में इस प्रकार का उत्पादन, अच्छा उत्पादन जिस प्रकार ये चल रहा है खेत, निकल सकता है किसान पक्का चाहिए, मन पक्का अगर होगा तो कुछ भी कर सकते हो इस खेत में भाई जी, झूठ नहीं बोल लगा, 11 किलो चर्बी मन खुद की अपनी चढ़ा ली, 11 किलो वेट लॉस करा इस खेत के चक्कर में। अच्छा जी, दिख तो रहा है, वेट तो बतेरा दिखाई दे रहा। अच्छा नहीं समझो मेरी बात, अच्छा जी 11 किलो घट गया, पहले 90 के लगभग जा रहा था, 80 के लगभग आ रहा। तो किसान भाइयों गन्ना देख सकते हैं आप, आगे तक चल के देखते हैं बार भाई जी, इसे एक मिनट उधर सर, तो अब थोड़ा साइड से भी देख लेते हैं रोहित भाई जी, आप साइड से आ जाओगे देखें बराबर साइड से मैं कैसा दिखाई दे रहा। देख लो व्यवस्था काफी अच्छी खासी कर रखी, एक भी मेड़ा इधर से उधर फिलहाल हो नहीं रहा, ये बता मैं इधर क्या हुआ, और ये बांस वांस लगा रखे भाई ने, मैं बता रहा है कि इसलिए लगाए, इस साइड का मिट्टी नहीं आई थी बिल्कुल भी, क्योंकि साइड का खुड़ा है, डोड़ आ गई इधर दूसरा खेत आ गया। अच्छा तो सपोर्ट के लिए ये 26 क्या बोलते हैं जून में ही इधर पलटा मार गया था एक तरफ, अंदर का बिल्कुल नहीं लगा, तो बांस वगैरह से रोकने की कोशिश करी थी, थाम लिया था, क्योंकि आमने सामने का मिलान हुआ नहीं था तब तक सिंगल में खड़ा था। ठीक 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 है भाइयों, ये थी एक वीडियो, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और ये गन्ना वैरायटी आपको गन्ना कैसा लगा, खेत कैसा लगा ये भी जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद भाइयों, चैनल फॉलो करियो, लाइक करियो और कमेंट भी करियो। नमस्कार।